हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस पार्ट में हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे कोई एपी दे रखी है, उसकी मुझे सिक्स टर्म ए सिक्स दे रखी है मुझे 19, ठीक है दोस्तों, और ए 17 दे रखी है मुझे 41, और फाइंड आपसे पूछ लिया जाएगा ए 40 क्या आएगी, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए है 86, 87, 80 और 82, ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, एक कोई एपी दे रखी है मुझे, एपी है कोई, उसकी सिक्स टर्म ए सिक्स 19 है, उसकी 17 टर्म 41 है, आपसे ए 40 पूछ ली जाएगी, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, तो पिछले पार्ट में हमने एक जनरल टर्म फार्मूला देखा था, वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के वन डी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें ए क्या था, फर्स्ट टर्म थी, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म थी, और डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, ठीक है। अब ए सिक्स पहले ए सिक्स को देखते हैं, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू क्या है, सिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला ओपन करेंगे तो ए प्लस में एन की वैल्यू सिक्स और माइनस के डी, तो ए प्लस 5d, यानी कि ए सिक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस 5d, ए सिक्स को ओपन करने पर ये आ गया, ठीक है। ऐसी ए 17 को, और ए सिक्स की वैल्यू क्या मुझे दे रखी है, 19, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए 17 को n की वैल्यू क्या है, 17, यहाँ पे अब ओपन कर लेंगे a प्लस एन माइनस के वन और d, तो ये क्या गया, a प्लस में 16d, 17 में से एक गया 16, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 41, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए फोर्टी, इसका फार्मूला भी ओपन कर देते हैं, ए प्लस में एन माइनस के वन डी, यानी कि ए प्लस में 39d, ठीक है दोस्तों, ए प्लस 39d, यानी कि अगर मुझे ए 40 फाइंड आउट करना है तो मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू पुट कर दूँ इसके अंदर तो ए 40 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ए और डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, यहाँ से, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए प्लस 5d, इक्वेशन वन क्या थी, 19 के बराबर, और ए प्लस में 16d, इक्वेशन क्या थी, 41। इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको माइनस ये माइनस, ठीक है दोस्तों। 16 में से 5 के क्या होता है, माइनस के 11d, ठीक है। 41 में से 19 के कितने होते हैं, माइनस के 22, इसके साथ ये कट गया तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है दोस्तों। डी की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 19 है, तो ए 19, 5 × 2 = 10 उतर जाए क्या हो जाएगा, माइनस के 10, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 9, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, तो ए और डी की वैल्यू दोनों कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, कर दो यहाँ पे पुट, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9, यहाँ पे 9 प्लस के 39, और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, 2, हाँ जी, 9 प्लस में 39 × 78, 9 × 8 = 17, 7 × 1 = 8, 87, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 87, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, A1 मुझे क्या दे रखा है, -4, A10 मुझे क्या दे रखा है, 14, ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाएगा फाइंड A30, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए है मेरे पास 54, 53, 50 और 52, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले A1, मैंने आपको बताया था A1 या A सेम ही बात होती है, पार्ट टू बताया था, यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो A की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया, -4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुझे क्या क्या गिवन है, A10, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू क्या है, 10, तो फार्मूला ओपन कर दूँ, ए प्लस में एन माइनस के वन डी, ए टेन क्या आ जाएगा, ए प्लस के 9d, ठीक है दोस्तों, ए टेन आ गया, और ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -4, यहाँ पे -4 पुट कर दो,
तो ये क्या आ गया, ए टेन आ गया मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब ए टेन की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 14, यानी कि ये किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो 90 क्या आ गया, 14, ये फोर उधर जाए क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो डी क्या आ गया, 14 और 4 18, और ये नीचे जाएगा 9, तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू मुझे क्या पता चल गई, 2 है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए 13। तो ये फार्मूला ओपन करते हैं इसके ऊपर, ए 13 क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस के 1 डी, तो ए प्लस में 30 में से गया 29 डी। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करें सारे पर, ए की वैल्यू क्या है, -4, यहाँ पे -4 प्लस में 29 की मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू 2 है। हाँ जी, इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा, -4 प्लस में 58, तो ये क्या हो जाएगा, 58 में 4 के 54, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। इफ़ 5 टाइम द 5th टर्म, यानी कि 5वें टर्म का 5 गुना, जैसे जैसे बोल रहा है कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफ एन ए पी, ये ए पी है कोई, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 10 टाइम द 10th टर्म, 10वें टर्म का 10 गुना है। ठीक है दोस्तों, फाइंड द 15th टर्म, फाइंड मुझे क्या करनी है, ए 15 मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन, आइए ए 5 को ओपन कर लेते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस के 1 डी। ठीक है दोस्तों, ए 5 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में एन की जगह 5 है और डी की जगह डी है। ठीक है दोस्तों, सेम इस तरफ, ए प्लस में एन की जगह 10 है और डी की जगह पे क्या है, डी है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ए एज इट इज़, 5 में से क्या 4 डी, तो 10 एज इट इज़, ए प्लस में 9 डी। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ये बराबर है 5 दूनी 10, ये कट गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस 4 डी क्या आ गया, 2a प्लस में 18 डी, ये दो के अंदर क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है दोस्तों, ये दो इस तरफ आ गया, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू 18d माइनस के 4d, ये क्या आ गया, माइनस a, और ये क्या आ गया, 18 में से 4 के कितने होते हैं, 14d। ठीक है दोस्तों, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 14d। ठीक है, उसके बाद मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द 15th टर्म, ए 15 फाइंड आउट करना है। ए 15 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस में एन माइनस के 1 डी, तो ए प्लस में 15 में से एक गए 14 डी। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या थी, माइनस के 14 डी, यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस 14 डी लिख सकता हूँ, तो 14 डी, ये 14 डी के साथ ये 14 डी कट गया, तो क्या आ गया, 0, यानी कि ए 15 क्या आ गया मेरे पास, और 0, और 0 क्या है, ए, यानी कि ए क्या आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो दोस्तों, इस तरह आपसे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।